हाय फ्रेंड्स, आई एम शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक एग बॉयलर कैसे यूज करते हैं बिना मैस के, इसका डेमो लेकर आई हूं। आपने देखा होगा कई वीडियोस में कि एग्स में छेद करने होते हैं, जबकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और आप अगर एग बॉयलर खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो है इसमें ऑटो पावर कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही प्लेट में पानी खत्म होगा ये पावर ऑफ हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम रख के भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप आके चेक करेंगे तो एग 10 मिनट में बॉयल हो जाते हैं और वो आराम से गर्म रहते हैं। 15 मिनट बाद भी एग्स गर्म रहेंगे। इट इज सेफ टू यूज। और जो और नेक्स्ट इसका फीचर है कि बहुत लाइट वेट है, पोर्टेबल है और हैंडी है। आप इजीली कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसमें और इसमें 7 एग्स आप एक बार में रख सकते हैं। एग बॉइलिंग के साथ साथ आप इसमें एग पोच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब डेमो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रिक एग बॉयलर। ये मैंने येल्लो कलर में मंगाया है, और भी कलर आते हैं, आपको जो पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये पावर बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी केबल ज्यादा लंबी नहीं है, बस आधा मीटर के करीब होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या है। ये इसका लिड है, ये इसमें मेजरमेंट कप दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये एग ट्रे है, ये जो सर्किल बने हुए हैं आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम आप 7 एग रख सकते हैं। अब ये मेन कंटेनर है, इसमें आपको पानी डालना होगा मेजर करके इस प्लेट में। तो चलिए सबसे पहले मैंने 90 ml पानी लिया है, फुल कप भर के लिया है मैंने। इसको मैं डाल देती हूँ प्लेट में। अब ये मैं ट्रे रख देती हूँ इसके ऊपर और इसमें ये एग्स में रख देती हूँ। ऐसे प्लेस करना होता है, ये मैंने रख दिए। अब इसका लिड मैं लगा रही हूँ, ये देखिए आप, लिड लगा दिया है। अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ ताकि पता रहे कि कितने टाइम में एग्स बॉयल हो रहे हैं। तो मैं पावर ऑन कर रही हूँ और मैं ये टाइमर भी ऑन कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपने देखा कि
कि इसको 13 मिनट में इसने ऑटो पावर ऑफ कर दिया है, क्योंकि मैंने फुल कप पानी लिया था इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप कम पानी लेते हैं तो टाइम कम लगेगा। चलिए अब टाइमर को स्टॉप करते हैं। आप तुरंत ही इसको ओपन कर सकते हैं लिड को। तो चलिए मैं ओपन कर रही हूँ, ये आप देखिए। अब मैं एग को पहले प्लेट में रख रही हूँ, ठंडे पानी से थोड़ा वॉश कर लेंगे ताकि नॉर्मल हो। चलिए अब मैं कट करके दिखाती हूँ, आप ये देखिए। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एग बॉयल हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आप पोस्ट एग बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एग ट्रे हटा देनी है और वैसे ही जैसे मैंने बताया कप में पानी लेके आप ट्रे में डाल दीजिए और उसमें बोल रख के एग तोड़ के डाल दीजिए और लिड से कवर कर दीजिए। ये फिर अपने आप ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा, तो आपका पोस्ट एग रेडी है। फ्रेंड्स बात करते हैं एग बॉयलर को साफ कैसे करना है। तो ये बहुत इजी है, जो मेन कंटेनर है उसकी प्लेट को आपको गीले कपड़े से पोंछना है, उसको वॉश नहीं करना है नहीं तो इलेक्ट्रिक मशीन है खराब हो जाएगी। और दूसरा आपकी एग ट्रे है और लिड है उसको आप वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।